हाय फ्रेंड्स, अब तो मुझे आपको नाम याद हो गया होगा। मैं सुभाष। तो हम 7 नंबर का स्ट्रक्चर देखें। अभी तक हमने 6 देख चुके हैं। 7 नंबर के स्ट्रक्चर, पिछले में हमने सब्जेक्ट की बात की थी, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, हम अभी इज एम आर से ही काम चला रहे हैं, प्रेजेंट की ही बात करते हैं मैक्सिमम, इसलिए हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। अब इसमें नया क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब वो शब्द जिससे हम विशेषता बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं किसी को। मतलब ये हाउ का आंसर देता है। मतलब अपन सिंपल क्वेश्चन यदि आपसे पूछूं हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे, आई एम फाइन, आई एम फंटास्टिक। तो ये फाइन और फंटास्टिक क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम अभी ढेर सारे एडजेक्टिव देखेंगे ताकि आप किसी की विशेषता बताना चाहें तो बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो सिंपल है, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक एडजेक्टिव, इतना ही काम करना है। तो आई एम फाइन मतलब मैं बढ़िया हूँ, फाइन मतलब बढ़िया, आई एम फाइन मैं बढ़िया हूँ, आई एम गुड मैं अच्छा हूँ, आई एम अ गुड टीचर। अब देखिए अंतर, आई एम गुड सिंपल एडजेक्टिव लगा हुआ है, यहाँ टीचर आया मतलब ये नाउन आ गया, तो टीचर आया इस वजह से ये ए आया है, वरना सिंपल गुड लगा देते। आई एम गुड मतलब मैं ठीक हूँ, और आई एम अ गुड टीचर मतलब मैं एक अच्छा टीचर हूँ। ठीक है, आगे आई एम ओके मैं बढ़िया हूँ, ओके हूँ, आई एम फिट मैं फिट हूँ, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, आप जानते हो, शी इज ब्यूटीफुल। तो आप ये बार बार बोलना शुरू करें, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल है, शी इज फंटास्टिक, वो फंटास्टिक है, शी इज एन एक्सपर्ट गर्ल, गर्ल आया तो एन आया, शी इज एन एक्सपर्ट गर्ल, वह एक एक्सपर्ट गर्ल है, एक्सपर्ट, शी इज फंटास्टिक, शी इज एन एक्सपर्ट गर्ल, यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हो, इज ए मार्क से है पता चलता है, ये तो आपको याद हो ही चुका है अभी तक। यू आर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट हो, यू आर नॉट अ फूल, फूल मतलब मूर्ख, फूल, फूल नहीं, फूल FULL, फूल मतलब पूरा भरा हुआ, वो ये फूल मतलब मूर्ख, तो यू आर नॉट अ फूल, आप एक मूर्ख नहीं हो। आर यू ओके, क्या आप ओके हो, आर यू फिट, क्या आप फिट हो। मतलब हमने नेगेटिव भी यही देख लिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहीं पे आप नॉट लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब आप बाहर उठा लाओगे तो, नॉट लगाओगे तो नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर लाओगे तो क्वेश्चन बनेगा। ही इज अमेजिंग, अमेजिंग मतलब जो अमेज करे, अमेज मतलब AMAZE, अमेज मतलब आश्चर्यचकित कर देना, तो अमेज अमेजिंग मतलब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, अमेजिंग है, उसको देख के अलग ही फीलिंग आती है। ही इज अमेजिंग, ही इज नॉट रिच, रिच मतलब अमीर, तो ही इज नॉट रिच, वह रिच नहीं है। इज ही पुअर, इज ही पुअर, क्या वह गरीब है, पुअर मीन्स गरीब, इज ही पुअर, क्या वह गरीब है, आर यू पुअर, क्या आप गरीब हो, आर यू रिच, आर यू रिच, आप अमीर हो। इज ही टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, डरपोक, टिमिड मीन्स डरपोक, डरपोक लिख भी देता हूं मैं, डरपोक, तो आप किसी को बोलने में काम आएगा, आर यू टिमिड, यू आर टिमिड, यू आर टिमिड, तो इज ही टिमिड, क्या वह टिमिड है, क्या वह डरपोक है। दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, देखिए मैंने यहां भी लिखा है, ऑर्डिनरी मतलब कैसा होता है, सामान्य, तो सामान्य से अलग, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब वो, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब दे मतलब वे, थर्ड पर्सन प्लुरल है, तो दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, दे आर नॉट एबल, एबल मतलब योग्य, तो दे आर नॉट एबल मतलब वे योग्य नहीं है। आर दे एबल, क्या वे योग्य है, यस दे आर एबल, नो दे आर नॉट एबल, तो आंसर भी दे सकते हैं आप। वी आर ऑनेस्ट, हम हैं, कैसे हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, वी आर ऑनेस्ट। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट का उल्टा, डिसऑनेस्ट बेईमान, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, हम बेईमान नहीं हैं। आर वी डिसऑनेस्ट, क्या हम बेईमान हैं, आर वी डिसऑनेस्ट। राम इज वेरी ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर, और ब्रेव मतलब वेरी, मतलब वेरी ब्रेव मतलब ज़्यादा बहादुर, ज़्यादा बताता है, राम इज वेरी ब्रेव, राम बहुत बहादुर है। आर यू ब्रेव, आर यू ब्रेव, क्या ब्रेव, यस आई एम ब्रेव, यस आई एम ब्रेव, आर यू ब्रेव, यस। शी इज करेजियस, वह है करेजियस, करेजियस मतलब साहसी, साहसी, शी इज करेजियस। आपको करना क्या है, सिंपल के जो भी सेंटेंस में बोल रहा हूँ ना, एज इट इज बार बार आप बोलो, आप भी बार बार बोलोगे ना तो ये भी सब एज इट इज याद हो जाएंगे।
तो शी इज करेजियस, वह करेजियस है। अब मैंने नीचे एडजेक्टिव लिख दिए ढेर सारे, इनके साथ आप एडजेक्टिव बदल बदल के नए सेंटेंस बना सकते हो। हम सबके मीनिंग देख लेते हैं एक बार। तो लायल मतलब वफादार, वफादार। डिसलायल मतलब गद्दार, तो ही इज लॉयल, ही इज नॉट डिसलायल। फेमस, फेमस तो आप जानते ही हो, प्रसिद्ध। नोटोरियस, ये भी फेमस है लेकिन ये कुख्यात है। एक विख्यात होता है, अच्छा नाम होता है, और एक बुरा नाम होता है। तो ये नोटोरियस मतलब कुख्यात, बुरा नाम होता है। जैसे वीरप्पन, एक चंदन तस्कर था वीरप्पन, तो वीरप्पन वाज नोटोरियस, वीरप्पन वाज मतलब था, वीरप्पन वाज नोटोरियस मतलब वीरप्पन कुख्यात था। जैसे अमिताभ बच्चन इज फेमस, पाकिस्तान इज डिसलॉयल, पाकिस्तान गद्दार है, ऐसा बोल सकते हैं, बाकी बोलना नहीं चाहिए। हाँ, बोल्ड, बोल्ड मीन्स साहसी, साहसी। ये करेजियस मतलब भी साहसी, बोल्ड मतलब जो काम किया जाना है उसको करें ही सही हम, तो वो बोल्ड होगा। शाई, शाई मीन्स शर्मीला। सुपर, सुपर मीन्स आप जानते हो, सुपर चाय मंगवाते हैं, एक सुपर चाय लाना। ऑर्डिनरी, सामान्य। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब अलग ही स्टैंड हो, स्टैंड मतलब खड़े होना, आउटस्टैंडिंग हो तो अलग ही खड़े हो। स्पेशल, खास। आसम, आसम मतलब, आसम मतलब जिसको देख के फीलिंग अलग ही आए, सरप्राइजिंग फीलिंग आए। आसम या अक्वा, आसम बोलते हैं, जैसे आपका परफॉर्मेंस वाज आसम, मतलब मुंह का मुंह खुला रह गया ऐसा, आसम। टायरसम, टायरसम मतलब थकाऊ हो, थकाने वाला हो, टायरसम। कुछ काम होते हैं जो टायरसम हो, दिस वर्क वाज टायरसम, ये काम कैसा था, थकाऊ था। तो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ ये सब्जेक्ट ही यूज़ ना करें आप, बाकी सब भी यूज़ करें, मतलब एडजेक्टिव के अनुसार आप सब्जेक्ट भी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हैप्पी मतलब खुश, आई एम हैप्पी। आर यू हैप्पी? यस, यू मस्ट बी हैप्पी। सैड दुखी, आई एम नॉट सैड, यू मस्ट नॉट बी सैड। डल, डल मतलब हल्का हो, धीमा हो। एक्टिव, इनएक्टिव, तो ही इज एक्टिव, शी इज एन एक्टिव गर्ल, ही इज लेजी, ही इज लेजी, वह आलसी है। एनर्जेटिक, जैसे बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो शी इज वेरी एनर्जेटिक, चाहे चिल्ड्रन आर वेरी एनर्जेटिक। डिफिकल्ट, दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट, ये सवाल कठिन है, दिस सम इज डिफिकल्ट। जैसे भारत पाकिस्तान की समस्या है, कैसी है? डिफिकल्ट है। वो अपने आप को सही मानते हैं, हम अपने आप को सही मानते हैं, अब सही कौन है भगवान जाने। तो अपने को तो अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी सीखो आप। तो डिफिकल्ट मतलब कठिन। डेंजरस, खतरनाक, जैसे लायन इज अ डेंजरस एनिमल। जैसे फियर्स, एक फियर्स होता है भयानक, ये भी डेंजरस ही होता है। तो लायन कैसा होता है? भयानक होता है, डेंजरस होता है। डेंस, डेंस मीन्स घना, घना, जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट। ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार नजर आए, ट्रांसपेरेंट। ओपेक, जो अपारदर्शक, जिसमें आर पार नजर ना आए। रेड, ब्लू। एडजस्टेबल, जिसको हम एडजस्ट कर सके, जैसे अभी कई चीज़ें आ गई जो एडजस्टेबल होती है, जैसे सोफा सेट आ रहा है, तो सोफा सेट को हम बिस्तर बना सकते हैं, तो एडजस्टेबल होता है, दिस सोफा इज एडजस्टेबल। सरप्राइजिंग, कुछ काम अच्छा हो जाए, सरप्राइजिंग हो जाए, अचानक से एक गिफ्ट मिल जाए, सरप्राइजिंग। प्लीजिंग, जो खुश कर दे, प्लीज कर दे, आपको खुश कर दे, तो प्लीजिंग। ईजी मतलब आसान। हैंडसम मतलब हैंडसम हो जो। टाइडी और अनटाइडी, टाइडी मतलब व्यवस्थित होना, जैसे माई रूम इज अनटाइडी, मेरा रूम अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। राम इज अ टाइडी बॉय, सीता इज अ अनटाइडी गर्ल। तो फियर्स, फियर्स मतलब भयानक हो गया। इनोसेंट, मासूम, मासूम, जैसे बच्चे मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव भी आप बार बार बोल सकते हैं, इनके साथ ही सिंपल बना के। तो बार बार ये सेंटेंस आप पढ़ें, बोलें, सुनें। तो एक दो दोस्तों के साथ आप ये वीडियो देखें, वो फिर ये सेंटेंस बोले, आप फिर बोलो, या आप क्वेश्चन बोलो, आर यू कूल, आर यू, इज शी हॉट, तो इस तरह से वो आंसर दे। तो क्वेश्चन आंसर करने में क्या होता है, याद जल्दी होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद का एक लेक्चर वो छोटा सा रहेगा ये, तो 8 नंबर का अगले लेक्चर में देखेंगे हम। यदि आपने मेरा
यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय।